ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ऋषि बोधोत्सव का पावन अवसर, मंच पर गरिमामय उपस्थिति, श्रद्धेय स्वामी धर्मेश्वरानंद जी महाराज और आर्य समाज के एक ऐसे स्तंभ जिनके आशीर्वाद से देश के कोने कोने में, नेपाल जैसे देश में, अन्य देशों में आर्य समाज निरंतर विकसित हो रहा है। हम सभी के आदरणीय श्रद्धेय महाशय धर्मपाल जी मंच पर विराजमान, न्यूयॉर्क के लॉन्ग आयरलैंड आर्य समाज के संस्थापक, हम सभी के परिचित आदरणीय शिविर सेन मुखी जी एवं सभी मंचासीन विद्वज्जन आर्य नेतागण, दिल्ली सभा के प्रधान आचार्य धर्मपाल जी, महामंत्री भाई विनय आर्य जी, सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए पूजा और श्रद्धा के योग्य माताओं बहनों आर्य बंधुओं, मैं आपसे कोई बहुत बड़ी बात और व्याख्यान देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। जिस ऋषि बोधोत्सव को अत्यंत श्रद्धा के साथ हम प्रतिवर्ष मनाते चले आ रहे हैं, ये बात कई बार की जाती है और बड़ी निराशा की बात भी कई बार की जाती है कि आर्य समाज कहाँ पहुँच गया, कहाँ था, क्या कर रहा था। मैं आपको ये बात निवेदन करने आया हूँ, आर्य समाज ने अपनी 142 वर्ष की यात्रा में कितने मुकाम अलग अलग तरह से प्राप्त किए हैं। कहीं हमने शास्त्रार्थों के माध्यम से आर्य समाज को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, कहीं हमने शिक्षा पद्धति के माध्यम वैद्यनाथ जी की सेवा के लिए आया था, गुरुकुल एटा का विद्यार्थी था, स्वामी आनंद बोध जी ने मुझे कहा बेटा गुरुकुल से पढ़ने के बाद क्या नागालैंड में प्रचार करने जाओगे, क्या मणिपुर में प्रचार करने जाओगे, वहां के लिए मेरे पास प्रचारक नहीं है। मुझे याद आते हैं महात्मा स्वामी आनंद बोध जी, उस समय के बहुत से लोग याद आते हैं जिनकी तमन्ना थी कि नागालैंड में प्रचार हो और उनकी भावनाओं को आज संकल्प रूप में और परिणत होते हुए हम देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा श्रेय महाशय जी को जाता है। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जिस प्रकार के भारत विरोधी षड्यंत्र चल रहे हैं, वहां पर अगर कोई आर्य समाज खड़ा होकर के चुनौती ले रहा है तो आर्य समाज के वर्तमान नेतृत्व की और संगठन की क्षमता है। हमें एक बार करतल ध्वनि से इनके दीर्घायु की और इनकी संकल्प शक्ति की कामना करनी चाहिए। बंधुओं, चुनौती हर क्षेत्र में है, चुनौती दिल्ली में भी है, चुनौती पास के राज्य में भी है। हम आर्य समाज के लोग चुनौती को स्वीकार करके कार्य करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, किसी चुनौती के सामने कमजोर नहीं पड़ते, टूटते नहीं है, रूठते नहीं है, छूटते नहीं है, अपने साथियों को मिलाने का भी काम करते हैं और साथियों के साथ आर्य समाज के उस दिव्य आहुति को, ऋषि दयानंद के इस पवित्र यज्ञ को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम जिस अवस्था में हैं, जिस आयु में हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, जहां से हमारी आहुति पड़ सकती हो वो आहुति पड़नी चाहिए, हमारे हृदय में आग जलनी चाहिए, हमारे घर से यज्ञ की ज्योति और वेद की ज्योति जलनी चाहिए। हम घर बैठ करके कार्य करें चाहे समाज में जाकर के कार्य करें, पर संकल्प होना चाहिए कि हम पक्के दयानंदी हैं, पक्के वैदिक हैं, पक्के ऋषि दयानंद के मतों के अनुसार चलने वाले हैं, अध कचरे रह करके काम नहीं करने वाले हैं। हमारा संकल्प मजबूत होगा, हमारी आहुति मजबूत होगी, दुनिया की कोई ताकत हमारे वेद के ज्ञान को रोक नहीं सकती। कई लोगों ने मुझे कहा वेद की ज्योति जलती रहे का नारा लगाते रहते हो लेकिन वेद के विरुद्ध सारा समाज बनता चला जा रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के उस संकल्प को याद रखते हैं, कुछ बलिदान प्रश्नों के समाधान के लिए होते हैं तो कुछ बलिदान प्रश्नों को जिंदा रखने के लिए होते हैं। आर्य समाज समाज के अंदर बुराई रूपी प्रश्नों को जिंदा रखने का काम करता चला रहा है, उनको जिंदा रखने का काम करता रहेगा। इस संकल्प के साथ ऋषि बोधोत्सव को हम मनाएं। बंधुओं, बहुत सारी बातें, क्योंकि भाई विनय जी ने मुझे कहा कि आपको आज जरूर आना है, आप दिल्ली में हो, मैं आपके बीच आया हूं और इस बात को याद दिलाने आया हूं, चाहे आप किसी अवस्था में हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जीवन के किसी पड़ाव में है, एक संकल्प लेकर के जाना। एक बात प्राय कही जाती है महाशय जी, बाबू जी, साहब साहब, कह जाती है हम कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं आएंगे। मैं इस मंच से कह रहा हूं, वैदिक सिद्धांत कहता है हम बहुत कुछ लेकर आए थे और बहुत कुछ लेकर जाएंगे। कर लेकर ना आए होते तो आर्य समाज के इस यज्ञ में सम्मिलित ना होते। हम विचार लेकर के आए थे, संस्कार लेकर के आए थे, प्रारब्ध के कर्म आशय लेकर के आए थे और इस जन्म में भी खाली हाथ जाने वाले नहीं है, हम लेकर के जाएंगे। मेरे सभी वयोवृद्ध आर्यजनों से अनुरोध है
कि वेद के संकल्प को लेकर के जाइएगा, दुनिया से जाते हुए प्रसन्न होकर के जाइएगा और कहिएगा अगला जन्म फिर वेद के लिए मिले, फिर दयानंद के मिले, फिर आर्य समाज के लिए मिले, तो जीवन इन्हीं बातों का नाम है। हमारा जीवन हर्षित रहे, प्रसन्न रहे, और एक बार ऋषि को जो बोध हुआ था, मूल शंकर को जो बोध हुआ था, हमें भी बोध हो जाए, हम भी जाग जाए और हमारे भी अंदर वो आग जल जाए कि हम पंडित लेख राम के रक्त साक्षी लेख राम को याद कर सके और आगे बढ़ सके। बंधुओं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका।